बहुत बहुत बधाई हो। और उसके साथ साथ मुझे नहीं लगता कुछ मुझे बात करने की ज्यादा जरूरत है और बातें आती भी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर मुझे मौका दिया है तो 2 मिनट में आप लोगों से बात जरूर करूंगा। मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब यहाँ आया हूं तो बताना मेरा फर्ज भी बनता है। उससे पहले आज इतना जबरदस्त शो, मैं बोल सकता हूँ इतना बढ़िया सेलिब्रेशन या डायमंड सेलिब्रेशन जो आपने देखा, रियली मैं सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी रिकॉग्निशन आप लोगों ने जो देखा उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, हमारे न्यूली डायमंड मिस्टर भगवान सिंह जी और मैं को बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आज इतनी बड़ी शानदार उपलब्धि, यानी बहुत बड़ी बात है एक आम आदमी की लाइफ में 12,40,000 रुपए का चेक आना, और वो भी एक फौजी आदमी की जिंदगी में जो कि बेचारा 15-20 साल नौकरी करने के बाद सेविंग करके भी नहीं लाता। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सेविंग नहीं होती यार, 15-20 साल नौकरी करने के बाद भी 10-12 लाख बड़ी मुश्किल से लेके आता है, और आज इनकी लाइफ में इतना मान सम्मान, इतनी बड़ी रिकॉग्निशन, बहुत बड़ी बात है। तो मेरी तरफ से बधाई हो। उसके बाद में हमारे योगेश जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो दंग रह गया, मतलब इनके मुझे पता ही नहीं रियली में कि कम उम्र में इनके साथ में ऐसी ऐसी बातें, रियली में मेरे तो आज आंखों में इमोशनल हो गया था, मैं आंखों में आंसू आ गए थे। इस बच्चे के साथ में क्या क्या परिवार वालों ने किया है ना, चलो यहाँ तक तो ठीक है, शादी तो होगी वो तो ठीक है, उसमें तो कोई गलत नहीं हुआ। हाँ उसमें तो कोई रोने वाली बात नहीं है, है ना, शादी के लिए तो लोग मंदिरों में मस्जिदों में भागते रहते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जो जमीन ले लेना, तंग करना, लेकिन ग्रेट, कितना बड़ा विश्वास इनका नरेंद्र सर पे, सिस्टम पे, कंपनी पे भरोसा करके आज इन्होंने भी 8,20,000 का चेक लिया है, और आज कमिटमेंट किया है कि 2022 का दिसंबर का सूरज डूबने से पहले ये बच्चा डायमंड होके 12,40,000 का चेक लेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जितने भी सफायर दीपेंद्र जी हमारे फूजी साहब बैठे, मुझे लगता है सर और मैडम बहुत खुश होंगे, आज आपका भी 3,60,000 का चेक है ना, 3,60,000 का, तो कमाल की बात है, बड़ी अजीब सी नहीं लगती क्या, 12 लाख। और महेंद्र जी कहाँ भाग गए, थोड़े दिन तो अकाउंट में रखो, कहाँ काम था मैडम। तो अभी रिसेंटली इनका भी 36.5 यानी 35 लाख रुपए का चेक इनका सिंगल वीक का आया है। मुझे नहीं लगता यार आदमी सोच भी सकता है, सही बात है। तो इनका भी देखो 35 लाख का चेक है। उसके बाद हमारे रूबी स्टार हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड, प्लेटिनम, बहुत सारे लोग आपके बीच में भी आने वाले हैं जिनको मान सम्मान रिकॉग्निशन मिलेगी, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कंपनी का टारगेट चल रहा है, जो चंद लोगों में लाखों की भीड़ में से वो कुछ लोग, कुछ चेहरे अलग से निकल के आएंगे जिन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। बहुत सारे लोगों से सुना होगा, किशन सर से, महेंद्र सर से, कि हाँ मेरे गुरुजी ने बोला टारगेट कर देना, टारगेट कर देना। तो ऐसे कुछ चेहरे होंगे आपके बीच में जो टारगेट को अचीव करके आज स्टेज पे आएंगे। तो मेरी तरफ से मैं उन सभी तमाम अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा एडवांस में, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, आपको आपके परिवार में ऐसी खुशियां मिलती रहे, ऐसे आपके घरों में रोशनी जलती रहे, ऐसे आप खुश रहो, आपका परिवार खुश रहे। तो दोस्त मैं तो ये नहीं बोलता हूं आज बोलने के लिए, तो क्योंकि बोला जाता है कि जब अपने गुरु लोग बैठे होते हैं, जब अपने आदर्श बैठे होते हैं, तो ज्यादा फटफट फटफट करने की जरूरत नहीं होती, सही है कि नहीं। देखिए घर में बड़े और जहां हम हैं वहां हमारे गुरु हैं, सीनियर, जिन्होंने हमें यहाँ सब कुछ सिखाया है, ये जिंदगी बदली, आज इस मुकाम पे पहुंचा दिया, कुछ भी नहीं थे, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल आदमी, आज भी कोई बड़े नहीं बने हम, लेकिन हाँ आज से 6-7 साल पहले की लाइफ में, आज की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट आया। तो कहीं कहीं इसके पीछे किसी किसी शख्सियत का हाथ तो है, ऐसे तो नहीं बने, किसी किसी शख्सियत का हाथ है, और वो शख्सियत जब यहाँ बैठी हो तो मुझे नहीं लगता मुझे बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना है कि आज उनको सुनने की जरूरत है, सही बात है।
जो मेरे जैसे इंसान को यहाँ ला सकते हैं तो आज उनको सुनने की जरूरत है। रियली में दोस्त मैं बहुत खुश हूँ, आज इस बात को मैं फील कर सकता हूँ, हकीकत में दिल से बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए मेरी फीलिंग और मेरी खुशी मैं ही फील कर सकता हूँ। समझते हो आप लोगों के दिल में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, मेरे दिल में क्या चल रहा है मुझे पता है आपको नहीं पता। रियली में मैं बहुत खुश हूँ आज इन लोगों को स्टेज पे, इनके परिवार को स्टेज पे बोलते हुए जब सुनता हूँ, मेरे पास ओडी, मेरे पास ओडी, मेरे पास जैगुआर, मेरे पास ओडी, मेरे पास मर्सिडीज, मैंने इतने लाख का चेक लिया, इतना लिया, इतना लिया, तो दिल से बताता हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जयपुर जैसे शहर के अंदर कैसे लोग अचीवमेंट पे अचीवमेंट लगातार ले रहे हैं। लेकिन दोस्त मुझे वो दिन भी याद है कि आज से 6.5 साल पहले जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, आज मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी बातें होने के बाद में एक इंसान को भरोसा नहीं हो, इतनी बातें होने के बाद एक इंसान विश्वास ना करे, क्योंकि ये सब देखने के बाद तो इंसान को भरोसा हो जाना चाहिए। इतना सब कुछ देखने के बाद ओडी बाहर खड़ी है, जैगुआर बाहर खड़ी है, रेंज रोवर बाहर खड़ी है, और वो भी आप जैसे आम आदमी, उन लोगों की जो आप जैसी भीड़ में से। मैं महावीर जी बोल रहे थे कि सर मैं वहां बैठा था और मैंने ये सोचा था उनकी एंट्री हो रही, इनकी एंट्री हो रही, और उनके दिमाग में एक बड़ा विजन मिला उनको उस दिन आने के बाद, एक प्रोग्राम को देखने के बाद उनको एक विजन मिला कि जब नसीब खान कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मात्र 3 साल में डायमंड बनके आज एक आम आदमी फौजी रिटायर एक ओडी लग्जरी कार में आता है, तो दोस्त मुझे लगता है विश्वास किया जा सकता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बनता है कि नहीं बनता है? काम दमदार है या नहीं है? दमदार है। लेकिन दोस्त जब हमने आज से 6.5 साल पहले जब हमने शुरुआत की, इसी जयपुर से शुरुआत की थी, जयपुर से नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं रहने वाला तो वैसे हरियाणा से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और बेसिकली मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दूं तो आज नए लोग हैं, नसीब का नाम है और मैं आर्मी में था और हरियाणा से हूँ, जबकि दादरी से। दोस्त मैंने भगवान सिंह से ने बोला तो अब ये 5-7 घंटे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रियली बताऊं तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मेरे परिवार में नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ मेरे गांव में भी अगर कोई गरीब पैदा हो तो मेरे से कोई गरीब पैदा नहीं हुआ। मजदूरी करते करते मजदूरी करते करते हमने फौज की नौकरी में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। घर का बड़ा था, पिताजी बीमार थे तो जिम्मेवारियां थी, अब बिलीव करना फौज में चला गया, रिटायरमेंट लेके आया तो छोटे भाई थे उनको जो मकान बनाए वो दे दिए, मैं राजस्थान झुंझुनू में आया सिर्फ इस पर्पस से कि मैं अपने 2 बेटों को पढ़ाऊंगा और पढ़ा करके इनको नौकरी लग जाएगी तो अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी। हर आदमी का एक यही सपना होता है, सोच होती है, क्योंकि एक ऑप्शन भी नहीं होता। तो दोस्त ऐसे में झुंझुनू आया था आज से 6.5 साल पहले, झुंझुनू में किराए के मकान में मैं रहता था, मुझे नहीं बताना चाहिए बातें, लेकिन एक किराए के मकान में मैं रहता था, और क्या बोलो यार मैं रियली में हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उस दिन एक शख्स से हमारी मुलाकात, तो मैं क्या बोलूं, वो इंसान भी मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है, मैं बोल नहीं सकता। तो वो मेरे पास आए और आज बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, बार बार पीछे पड़ते हैं, ऐसा सब कुछ होता है, भरोसा नहीं होता, इतना सारा देखने के बावजूद भी, इतने लोगों की जिंदगी बदल रही उसके बावजूद भी भरोसा नहीं होता। वो इंसान मेरे पास आए आने के बाद AWPL का 6.5 साल पहले उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और मैंने डिसीजन लिया, मैंने शुरुआत की, मुझे ठीक है सर मैं आपके साथ करता हूं। और शुरुआत करने के बाद दोस्त जैसे होता ही है, परिवार सबका एक जैसा होता है, मिडिल क्लास आदमी के परिवार में सब एक जैसा ही होता है, तो ऐसा नहीं हमें नहीं बोला, हमें भी बोला मत करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिश्तेदार सबके ही ऐसे होते हैं, हर आदमी के अपनी अपनी सोच होती है, हर आदमी अपने अपने तरीके से हर आदमी को एडवाइस करता है, भले उस पर बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है, 2 रुपए नहीं कमाएगा वो भी एडवाइस देगा, 2 रुपए नहीं कमाएगा वो भी एडवाइस देगा, तो ऐसी बातें हमारे साथ भी। तो दोस्त हमने काम की शुरुआत की, मैंने डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने के बाद काम तो करना, मैंने भगवान जी को क्या बोला था, काम तो करना। अब मैं काम करने के लिए निकलू तो जाऊं तो कहां जाऊं, क्यों कि आर्मी में मेरी नौकरी, रेली में मैं इंजीनियर में था, होम इंजीनियर में, जहां महाराष्ट्र और सिख पर्सन सरदार जी लोग होते हैं,
आर्मी की क्या बोलते हैं वो यारी, तो स्टेशनरी कैरी होती है ना भगवान जी, सही है ना। फौज की दोस्ती तो स्टेशनरी होती है, जब स्टेशन छोड़ दिया तो फौज छोड़ दी, कोई कॉन्टेक्ट नंबर कुछ नहीं, गांव आया गांव से झुमिल वाले तो जान पहचान वाले नहीं। तो मैंने सोचा कहां से शुरुआत करूं, तब एक शख्स था वो भी आर्मी वाला ही था, वो जयपुर रहते थे, उनके पास जयपुर आया। जयपुर आने के बाद उस शख्स को मैंने प्लान दिखाया, तो प्लान देखने के बाद देखो क्या होता है, अमूमन फौजी आदमी है ना, वैसे बाहर तो बहुत ज्यादा फौजी कितने बैठे होंगे आप में से फौजी, हाँ ये बेल्ट वेल्ट लगा के, मैं भी फौजी हूं, ये बेल्ट लगा के ऐसे बाहर ही दिखते हैं, लेकिन घर में आने के बाद होम मिनिस्टर के सामने इनकी नहीं चलती बिल्कुल भी, मैं सही मेरी नहीं चलती, आज नहीं चलती अपने पास, आज भी मैं बाहर बिल्कुल रहता हूं, लेकिन जैसे एरियम जाता हूं ना हालत पहले से थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाती है। तो उनके पास में आया, उनको मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे प्लान है और ऐसे काम करना है, ये बात है, बंदा एरी हो गया लेकिन उनकी वाइफ ने उनको इशारा कर दिया। अब मैडम इशारा कर दे तो बंदा मजाल हिल जाए, तो भाई साहब वो ना माने, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, क्यों किसको आदमी इस बिजनेस में लेके आएगा तो किसको लेके आएगा, या जान पहचान वाले को, दोस्तों को, किनको लेके आएगा, तो या अपने घर वालों को रिश्तेदारों को, तो हमारे वाले तो पहले से समझते हो है ना, तो वो तो लोग नहीं आए। अब मैं उसके पास गया तो उसने भी देखो कंडीशन लगा दी मेरे, समझ लो मेरी आवाज आ रही ना, उन्होंने भी मेरे पे कंडीशन लगा दी, मैं एक कंडीशन पे ज्वाइन कर जाऊं, मैं एक आदमी को जानता हूं उसको अगर आप ज्वाइन करवा लो तो पहले मैं बोला पता भाई पहले उस पे करते थोड़ा करें तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्त मैं उसके पास गया और मैं हकीकत बोलता हूं आज वो सब यही है वो सब यही है। तो जब मैं उसके पास गया तो उसको प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद बंदा पूछता है ना अपने यहां पे कैसा लगा, और सामने वाला ये तो कुछ तो जवाब लो, जो बंदा हंस दे तो फिर कैसे लगी ना, इस चीज का बड़ा लॉजिक है, जब हम बंदे को बोले सर प्लान कैसे लगा, बंदा ऐसे मुस्कुराए तो सब हो जाता है गड़बड़ है कुछ, प्लान को मुझे तेरे में दम नहीं है। अरे वो कोई और नहीं थे, वो सॉफ्ट इंजीनियर साहब किशन जी थे किशन जी बैठे, अब बाद में पता लगा, ये मुझे बाद में पता लगा ये तो मुस्कुराने की पहले से आदत है तो साहब ये हंस पड़े, और ये बेचारा गरीब इंसान अपना फोल्डर उठाया और झुंझुनू के लिए रवाना, सुनना मेरी बात, निकल लिया तो 10 किलोमीटर चलने के बाद, नहीं 5 किलोमीटर चिड़ावा क्रॉस किया मैंने, फिर इनके साथ में इनका भाई था, हकीकत बता रहा हूं आज, ये स्टोरियन ये तो नहीं यार, सुनना मेरी बात बोल, तो इनके साथ में इनका भाई था, नरेश जी आएंगे यहां पे, नरेश जी कहां है, यहां पर खड़े होकर दिखाओ, दिखा दो क्या होगा, फर्क क्या पड़े, मैं आपको दिखाना नहीं, मैं सब चीज मतलब ओपन बताना चाह रहा हूं, ओपन हर चीज ओपन, कोई छुपाव नहीं यहां पे, कोई छुपाव नहीं है, मैं आपके पास रियली में मुद्दा 15,000-20,000 ज्वाइन करना, ये करना, प्रोडक्ट लेना, ये नहीं है यार, मैं हमेशा से बोलता हूं 15,000 से ना कोई अमीर बनता ना गरीब बनता, 15,000 में ना मकान आता, 15,000 में ना गाड़ी खरीदता इंसान, 15,000 में ना शादी होती, घूम खत्म भी हो गया तो शादी रुकने वाली नहीं, खत्म हो गया 15,000 चला गया जिंदगी में तो किसी का मतलब मकान का काम नहीं रुकने वाला, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा बात को समझने का। ये दोनों भाइयों को मैंने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद भाई धन्यवाद को नरेश जी के लिए ताली बजाओ, नरेश जी का मेरे पास फोन आया, सर रुको मुझे ज्वाइन करना है, क्या करना है, इन्होंने नहीं फोन किया, इन्होंने फोन किया और भैया बंदा खुश, गाड़ी वापस फिर गए, इन दोनों भाइयों ने फॉर्म भरे और मैं ज्वाइंट प्रोटोकॉल वो ऑयल होता था मुंशी जी मोहल्लो लगाते रहे हाँ लो दे गया, और फिर मैंने उस शख्स को आके फोन किया, तेरे एक नहीं
दोनों शेरों को ज्वाइन करवा दिया मैंने। अब बोल, तो बोला अब मैं भी आ जाऊंगा। और वो कोई और नहीं, वो महेश चौधरी जी, वो महेश चौधरी जी, वो महेश चौधरी जी। अब बता देना जाके आप लोग सारे उर्मिला मैडम को, पूछ लेना। अब महेश जी भी ज्वाइन हुए और ये भी दोनों ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद भैया जयपुर आए, हमने काम करने की शुरुआत की, दाएं बाएं घूमे, काफी जाना तो पड़ता है। अब महेश चौधरी जी चले गए फौज में, उनकी पोस्टिंग आ गई, पोस्टिंग आ गई। तो हम, अब मेरे पास ये टोटल 36 के अभी हुआ साइड किशन सर में वेट, अभी तो जिम जूम करते रहते हैं, थोड़े से टोले साले बना लिए, नहीं तो उस समय तो वेट भी इतना नहीं था। मैं किशन जी इन जयपुर की गलियों में मोटरसाइकिल पर ये इतनी स्पीड से चलाते, तो मेरे को गुस्सा आता था। गुस्सा इसलिए आता था जिसके पास जाते तो कुछ सुनता नहीं था, तो गुस्से में गाड़ी निकलती थी। कभी कहीं कभी कहीं काम करते करते कभी रिजल्ट आए, कभी लोग आए, कभी नहीं आए, होता ही है। तो मैं आपको क्या बताऊं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लेना, ये कभी कभी कम होता आदमी का। तो मेरे दिमाग में दो चीज आने लगी, अब नसीब काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसके पास जाएं, लोग सुनते नहीं, अपने जान पहचान वाले नहीं है और अपने पास ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्या करें। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि काम होगा कि नहीं होगा, सफल होंगे कि नहीं होंगे, कामयाबी आएगी कि नहीं आएगी, इससे अच्छा जो कर रहे हैं वही कर लेते हैं। तो मेरा जो मन है ना, वो ऐसे डगमगाता। तो सर का कुदरती मेरे पास में दिन फोन आया, मुझे सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है। तो सर समझते हैं इस बात को, सर ने बोला तुम दिल्ली आ जाओ फटाफट। मैं सर के पास दिल्ली गया, बोल क्या बात है, सर पता नहीं क्यों घबराहट होती है, क्यों अंदर से ऐसा लगता है होगा कि नहीं होगा। तो सर ने बोला नसीर खान से एक बात करो, बैठो आप मेरे पास आराम से बैठो। मैं बैठा, मुझे जी सर बताइए। ठीक है, अगर इंसान को जिंदगी में वही काम करना चाहिए जो अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो दिल बोलता है वो करो, लेकिन एक मिनट आज आपकी लास्ट और पहली मीटिंग समझ लेना, आज आपकी मीटिंग भी लास्ट ही समझ लेना। इसके बारे में कभी आपसे दोबारा चर्चा नहीं करूंगा, बस एक बार बैठ के सोचो। आप मुझे ये बताओ, आपका ये काम करने में घबराहट होती है, मन नहीं लगता, आप सोचते होंगे चल ठीक है, एक मिनट नेगेटिव सोच लो, अगर इसको छोड़ देते हो, छोड़ दो मत करो, लेकिन क्या आपका बैकग्राउंड क्या क्या है, आपके पास में मकान है, मगर नहीं सिर्फ किराए के मकान है, प्लॉट है मगर नहीं सर, जमीन है मगर नहीं सर, कितनी पेंशन आती है मगर 12,000 सर, बच्चों को क्या बनाना चाह रहे हो मगर सर पढ़ा रहा हूं, देखेंगे नौकरी, चलो क्या गारंटी नौकरी मिल जाएगी मगर नो सर, आपकी गारंटी आप कितने साल की हो मगर नो सर। तो यार एक बात बताओ, जब आपके पास जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पे काम कर लो, आप कामयाब हो जाओगे, मेरी बात को मान लो, आप कामयाब हो जाओगे। और यहां पर अगर आपने 4-5 साल दे करके रुक करके काम कर लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो दोस्त मेरे बात समझ में आएगी, यार सर बात तो सही बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं, मेरे को भरोसा हुआ। और दोस्त मैं सबसे पहले आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, उस महान शख्सियत और उस पर्सनैलिटी, उनका नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं, आप समझ रहे होंगे, वो कोई और नहीं है, वो हम सबके मेरे नहीं आप सबके, हम सबके महागुरु, मुझे प्राण दिखाने वाले भी महागुरु जी महिपाल सर थे, और इतना बड़ा विश्वास दिलाने वाले भी मुझे गुरु जी थे। और गुरु जी ने बोला नसीम खान रुकना मत, तुम मत डरो, तुम कामयाब हो जाओ, तुम चलते रहो। तो दोस्त हमने शुरुआत की, उस दिन एक बहुत बड़े विश्वास के साथ काम की शुरुआत की, और करते 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 चलते रहे। किशन जी को पता है बीच में थोड़ी दिक्कतें आई, कि सर बखो कोई दिक्कत नहीं, सर ने एक ही बात बोला है, अगर तुम लगातार काम करते गए ना यहाँ पे 4-5 साल, तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये बात मेरे समझ, किसी की जिंदगी बदले या ना बदले, तुमने 4-5 साल अगर यहां पे नसीम खान दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी 100%। मैं आपके साथ खड़ा हूं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। तो मैं बोला गुरुदेव पक्का, अब ये जिंदगी हमने दांव पे लगा दी, आपको दे दी, AWPL के नाम कर दी, आज के बाद अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और लोग बोलते हैं भरोसा नहीं होता, जाने के बाद चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, और दोस्त हमने काम की शुरुआत की,
तो उसका रिजल्ट ये कि हमने लगातार काम किया, हम डट गए, पीछे मुड़के नहीं देखा। किशन जी मेरे साथ डटे रहे, आज किशन जी 51 करोड़ की जैगुआर के मालिक है या नहीं? अब नहीं, नहीं। किशन जी 1 करोड़ जैगुआर के मालिक है या नहीं? मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किशन जी की बात कर रहा हूं। महीने के कितने लाख रुपए आते हैं? कितने? बस इस बात को समझ लेना, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं कि ये लड़का मेरे साथ रुका 12 लाख रुपए महीना लेता है, ये लड़का मेरे साथ रुका आज जैगुआर में चलता है, और ये लड़का भरोसा नहीं हुआ छोड़ के चला गया, आज एमरल्ड एसआई। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, अगर ये होता तो ये भी लेता ही होता, होता कि नहीं होता, लेकिन इनका भरोसा टूट गया। क्या होगा कि नहीं होगा? मेरा भी यही हुआ। लोग बोलते हैं ना दोस्त, आज गुरुजी उस दिन मुझे नहीं बुलाते, और गुरुजी ने बहुत कड़वी बात बोली मुझे, शायद वो बात अगर नहीं बोलते तो क्या पता मैं डगमगा जाता, लेकिन उनका एक वर्ड था बहुत खतरनाक, बोला मेरी आखिरी मीटिंग होगी आपसे आज। मैं बोला यार बात तो गड़बड़ है, और जो बातें बताई वो मेरे समझ में आई कि यार नसीब अपने पास कुछ नहीं है, क्या अपने पास मकान घर का नहीं, जमीन अपने पास नहीं, प्लॉट अपने पास नहीं, खाने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है, बच्चों की ठीक टाइम से नहीं जा रही, क्या करेंगे? और यहाँ पे बोला जाता 4-5 साल करके देखो जिंदगी बदल जाएगी, तो लगा जाओ यार कर 4 साल, और ये हुआ दोस्त आज 6.5 साल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बोलूं गुरुदेव आपका बहुत बहुत बड़ा एहसान कर दूं मैं, उस दिन मेरी लाइफ में गुरुदेव नहीं आते तो दोस्त आज ये नसीब। क्या कार की बात कर रहे हो यार, हमारे तो परिवार में खानदान में साइकिल खरीदने वाला भी मैं हूं, पहली साइकिल ही मैंने खरीदी, साइकिल के बाद इस इंडस्ट्री आने में, यहां आने के बाद मैंने कार खरीदी, पहली कार मेरी डिजायर आई, दूसरी कार मैंने ऑडी Q3 खरीदी, और आज 1 करोड़ की रेंज रोवर बाहर खड़ी, आज 1 करोड़ की बाहर खड़ी है। सिर्फ इस बात को समझो, उतना 15,000 का नहीं है, इस बात को समझो। और दोस्त क्या बताएं, अभी आज 13 करोड़ रुपए से क्रॉस कर चुका हूं 6.5 साल में, 13 करोड़ रुपए से क्रॉस कर चुका हूं, और आज जो महीने की एवरेज आ रही है, सिंपल सी बात है, 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आज 32 लाख रुपए की मेरी एवरेज है, महीने की 32 लाख रुपए की एवरेज है। और सुनने और समझने वाली बात यह है कि 15,000 रुपए लगा करके 15,000 के व्यापार से 6.5 साल एक अपॉर्चुनिटी पे प्लेटफॉर्म पे रुक करके और एक इंसान को 32-32 लाख रुपए मेहनत कमाने का अगर मौका मिल जाए तो दोस्त वो बदनसीब है जो इस काम को ना करे। हर इंसान को करना चाहिए, खास करके उस मिडिल क्लास को तो पक्का करना चाहिए, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, और ये बहम रहता है इंसान को, अहम और बहम, कुछ नहीं मिलता बाहर मौका, यही एक इंडस्ट्री है। अगर रियल में आप अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आप कुछ अपने लिए करना चाहते हो, ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, तो दोस्त 4-5 साल रुक करके और हमारे साथ काम कर लेना। और दोस्त ये तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे शुरुआत है, देख सकते हैं शुरुआत है, लोग ऑडी जैगुआर मर्सिडीज के अंदर आप देख रहे हो, और ये हमारा वादा चैलेंज है, हंसने वाले हंसते रहना, मजाक बनाने वाले मजाक बनाते रहना, हम हमारी मंजिल को पाकर छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो हमारा है, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। लाइन लगा दी, अगले 4-5 साल में जयपुर में डायमंडों की लाइन लगेगी, अगले 4 मैं लोधी साहब ऐसा नहीं करके लाइन लगा दूंगा, लेकिन आज से 4 साल बाद देख लेना, लग्जरी कारों की और डायमंडों की लाइन लगी होगी करोड़पतियों की, क्योंकि दोस्त उसके लिए बिल्कुल कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। अगर आप लोग रुकने के लिए तैयार हो, दिल ठोक के भरोसे के साथ बोलते हो सर हम आपके साथ है, नहीं तो 4 साल मैं आपके साथ, मेरे बच्चे की जिंदगी मैं देता हूं, कोई बढ़ा के दिखाए, 4 साल की गारंटी ले लो, मेरे बेटे को 2 लाख रुपए का काबिल बना देना, मैं आपके साथ हूं, नहीं तो 4 साल मेरे साथ रुक जाओ, हफ्ते के लाख रुपए कमाऊंगा, हफ्ते के लाख रुपए से ऊपर कमाऊंगा, बस रुकना पड़ेगा, 4 साल काम करना पड़ेगा। दोस्त कुछ भी हमारे पास, ये मौका मिला है, एक अच्छी इंडस्ट्री हमारे को मिली है,
एक ब्रांड कंपनी हमारे को मिली है, एक शानदार प्रोटेक्ट हमारे को मिला है, अच्छे मेंटर हमारे को मिले हैं, जिनकी बदौलत क्या पता ऊपर वाला किसके ऊपर खुश है, किसकी बदौलत हमारे को ये अपॉर्चुनिटी, किसके माध्यम से ये मौका मिला है। अगर दोस्त मिला है ना, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मौका छोड़ना नहीं, तो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तैयार आप लोग? Yes. कितने लोग तैयार हैं इस मिशन के अंदर? सब बिल्कुल कुछ भी हो जाए जान लगा देंगे, लेकिन हमारे दुनिया से लेना देना नहीं है, हम अपने परिवार की गरीबी जरूर भगाएंगे, खुद से कमिटमेंट करो। तैयार है? Yes. तो दोस्त मेरी तरफ से अभी क्या बोलूं, अगेन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक्स इस सदी के नायक कंपनी के MD जो हमारे संजीव सर जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, और धन्यवाद हमारे गुरु जी महिपाल गुरु जी, कसम से आप नहीं होते ना ये जिंदगी हमें भी नहीं पता क्या होती। तो मैं चाहूंगा फिर खड़े होकर के गुरु लोगों के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों, और पता लगना चाहिए क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद ही हमें बार बार जयपुर वालों के लिए तो मेहरबान करते हैं गुरु जी सबसे ज्यादा। और दोस्तों अंत में एक बात कहना चाह रहा हूं, बस अगर ये ही कैसे जिंदगी चाहते हो, ऐसी जिंदगी रियली में चाहते हो, तो बस तब तक चेयर छोड़ना नहीं, चेयर मिलगी तो ठीक, नहीं तो अपनी जहां भी जगह ढूंढ लेना, लेकिन हिलना नहीं जब तक महागुरु जी को सुन के नहीं जाओगे। yes. जिंदगी बदल जाएगी, मैं कसम से बता रहा हूं आपको, हमें तो लगता ही नहीं यार 32 लाख रुपए भी क्या है जैसे बोलते हैं, रियली बता रहा हूं, ये वक्त आपका आ चुका है, यह वक्त आपका आ चुका है, भरोसा करना और करके देखना। तो दोस्त मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में, आप सभी लोगों को डायमंड की शुभकामनाएं मेरी तरफ से सारे।